कौर देसी तड़का की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। तो आइए मटन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 3 तेज पत्ता लिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी और 7 से 8 छोटी हरी इलायची, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक, यहाँ पे मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर। मसालों में हमें चाहिए नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला। साथ ही हमने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, ये दही खट्टा नहीं है और रूम टेम्परेचर पर है। साथ ही यहाँ पर 1 कप फ्राइड अनियंस लिए हैं यहाँ पे। साथ ही कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक जीरा, काला जीरा जिसको बोलते हैं, 7 से 8 लौंग, 1 टुकड़ा आप ये देख सकते हैं जावित्री, 1/2 से छोटा सा टुकड़ा जायफल और साथ ही यहाँ पर लिया है 3 मोटी इलायची। इन मसालों को ग्राइंड करके मिक्सी में हम एक इनका पाउडर, फाइन पाउडर बना लेंगे। साथ ही यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है केवड़ा एसेंस, यहाँ पर हम इसका 1/4 टीस्पून ही यूज करेंगे। आइए मटन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में सबसे पहले 1/3 कप देसी घी, आज हम मटन कोरमा देसी घी में बनाएंगे, वो ऐड कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 kg मटन लिया था, इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें सबसे पहले खड़े मसाले जो हमने ये लिए थे, तेज पत्ता, इलायचियाँ और दालचीनी। इलायची आप चाहें तो एक आधी खोल सकते हैं, पर सारी खोलने से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, तो मैंने यहाँ पर 1 खोली। अगर आप चाहें तो आप सारी भी खोल सकते हैं। मैं आज मटन कोरमा पैन में बना रही हूँ, इसको आप चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब खड़े मसाले थोड़े से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसमें जो हमने मटन लिया था वो ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मटन को मैंने खड़े मसालों में डालकर अच्छे से इनको मिक्स करा है, और हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अब यहाँ पर मुझे इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज होके वाइट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर इसमें जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, ग्रेट करा था, उसको ऐड कर लेंगे और इसको भी इसके साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब आप देखिए मेरे को 5 से 7 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन के साथ भी इसको भूनते हुए, और आप देखिए मटन ने पानी छोड़ दिया है। इस मटन कोरमा में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे उन्हीं से ही इसको पकाना है, और मटन अपना पानी भी छोड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसने अपना पानी भी रिलीज कर दिया है, तो इसी पानी में हम इसको भूनेंगे और इसको पूरा जो रेडी करेंगे वो इसी के पानी में करेंगे, हम एक्स्ट्रा वाटर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मैंने दिखाए थे, रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला और थोड़ी सी रेड चिली तीखेपन के लिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे मटन को मसालों के साथ भूनते हुए, और आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें जो दही हमने लिया था वो ऐड करेंगे और इसको अब दही के साथ भूनेंगे अच्छे से। अभी मैंने थोड़ा सा 1/2 कप दही ऐड करा है, पहले इसके साथ भूनूंगी फिर बाद में 1/2 कप और ऐड करूँगी। जब ये दही अच्छे से भून जाएगा देन फिर बाकी 1/2 कप ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो 1/2 कप दही डाला था उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम दोबारा से जो 1/2 कप बचा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज पर ढक कर 40 से 45 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिए, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले ही 1/2 कप दही डाला था उसने ही अपना पानी रिलीज कर दिया था, अब जो 1/2 कप डाला है वो भी छोड़ेगा, तो उतना पानी एनफ है इस मटन को पकने के लिए। इसको ढककर 40 से 45 मिनट्स लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब
50 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस मटन को रखे हुए। अब हम इसका लिड हटाकर देखते हैं कि ये कितना गल गया है और क्या पोजीशन है इसकी। देखिए देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी है। तो आप देखिए मटन ने कितना पानी छोड़ दिया, और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। और इसमें जो खड़े मसाले, इलायची और दालचीनी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये मटन कितना गल गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक कड़छी में लेंगे, और आप ये देखिए मटन अच्छे से ऑलमोस्ट 80-85% गल गया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने यहाँ पर फ्राइड अनियंस लिए थे वो ऐड करेंगे। अब ध्यान रखें कि फ्राइड अनियंस को क्रश नहीं करें, बिल्कुल उसका पाउडर नहीं बनाएं, उसको थोड़ा एज इट इज खड़ा खड़ा ही ऐड करें। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो आपको जीरा, मोटी इलायची और लौंग दिखाया था, उसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको फिर दोबारा से मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और ढककर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं लास्ट स्टेज पर मटन को भूनते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना शानदार आया है। आप देखिए, देख सकते हैं आप, और इसमें से मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें फाइनल स्टेज पर 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, जो इस कोरमा की जान है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मटन कोरमा के लिए इतनी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर ग्रेवी इंक्रीज करने के लिए, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मटन कोरमा की ग्रेवी कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ये मटन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। फाइनल स्टेज पर हम इसको धनिया के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और आइए इसको डिश आउट करते हैं। अब ये मटन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है, आइए इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, जबरदस्त। देखिए फ्रेंड्स, मटन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही न्यू लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।